आवाज ले आ, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। माइसेल्फ राहुल और इस बिजनेस को पिछला 11 सालों से कर रहे हैं और जिनका उंगली पकड़ के आया था और जिन्होंने मुझे स्मार्ट वैल्यू दिया वो कोई और नहीं हमारे ग्रेट सीनियर, मैं चाहूंगा उत्तम भैया के लिए एक बार जबरदस्त ताली होना चाहिए दोस्तों। सही हूँ, माहौल रहना चाहिए कि नहीं? अच्छा यही एक बिजनेस है जहाँ सब मजा मिल सकता है, यस सर नो? वरना टाइम कहाँ है नौकरी वाले लोग का। बीबी बोलती है जी रेस्टोरेंट चलिएगा 10 से 12 उसके बाद बचेगा तो चलेंगे, यस सर नो? यहाँ टाइम का टेंशन नहीं है, 10 साल 11 साल काम कर लो। बीबी रेस्टोरेंट का बोलेगी दुबई चलिएगा जी, चलो आते घूम के आना, ये स्मार्ट वैल्यू हो सकता है। तो एक बार म्यूजिक वाला भैया के लिए भी जबरदस्त ताली होना चाहिए दोस्तों। इस बिजनेस की शुरुआत भैंस बेच के हुआ था और भैंस बेचवाने वाला कोई और नहीं, ये हमारे उत्तम सर है, एक बार उनके लिए भी जबरदस्त ताली होना चाहिए। सभी की फॉलोअप होती है ना? पता नहीं कैसे हमारे दादाजी कोई लोग फॉलोअप मारे को भैंसिया बेचने के लिए रेडी हो गए। बोले ठीक है, भैंस बिका, पैसा मिला और काम करना चालू किया। सोचा था कि नौकरी करेंगे क्योंकि शुरू से बाप का सपना था, माँ बाप का कहलाता हूँ, पापा का एक ही सपना था कि बेटा पढ़ा लिखा कर तुमको नौकरी करना है। बट बीच में कुछ और भी मिल गया, पापा का सपना क्या हो गया, टूट गया, यस सुनो। इस बिजनेस को करने के लिए मेरा पिताजी ने मेरे से 6 महीना बात नहीं किया क्योंकि वो बोलते थे और गांव में भी लोग बोलता है जिसका एक लड़का या लड़की रहता है या तो बनाइए देगा या तो बिगाड़िए देगा, यस सुनो। दोस्तों मेरा पिताजी को भी ये समा गया कि भैया एक ही था ये भी गया, यस सुनो। और वैसे भी स्मार्ट वैल्यू वाले को शुरू में बड़ा धीपाना पड़ता है, हेलो यस नो, घर आओ तो मम्मी पापा, बाहर जाओ तो काका बाबू, जिंदगी परेशान था अगला 10 साल से, सलाह करे तो क्या करे। लेकिन एक जगह बड़ा सुकून मिलता था, वो कहा, एक कॉल कर दो अपने अपलाइन को, सब दुख बीमारी दूर हो जाता है, यस नो। तो दोस्तों मैं खुश नसीब हूं कि मुझे ऐसे गुरु, ऐसे मेंटर और ऐसे टीम के साथ काम करने का मौका मिला। तो हमारे तीनों त्रिदेव के लिए एक बार जबरदस्त ताली होना चाहिए दोस्तों। इस बिजनेस को करने के लिए कुछ नहीं चाहिए, इस बिजनेस के करने के लिए आपके लाइफ में अपने लिए एक चीज चाहिए, वो चाहिए पागलपन, जुनूनी, और कुछ नहीं चाहिए, यस सुनो। दोस्तों उस दिन से लेके आज तक 11 साल हो गया, इस उम्र में अगर नौकरी करते तो 40,000 रुपया महीना कमाते, आज स्मार्ट वैल्यू करते 3-4 लाख रुपया महीने का आता है, तो कौन बेस्ट है, नौकरी या स्मार्ट वैल्यू? दोस्तों एक ही टारगेट है लाइफ में, किसी भी मुकाम पर चले जाए रुकना नहीं है। अपलाइन हम लोग का बहुत अच्छा है, सुपर स्मार्ट थे, उस दिन भी कान पर भैया बोले थे, भैया इसके आगे सिल्वर है, आज इमरल्ड बने हैं, आज भी भैया ने कान में बोला राहुल इसके आगे भी लेवल है। दोस्तों ये सक्सेस की जंग जारी है, आज 11 साल हो गया, आजकल का एसोसिएट लोग 3 महीना नहीं रुक पाता है, 3 महीने में उसको इमरल्ड चाहिए, नहीं होगा, टाइम देना पड़ेगा। तो क्या अगला 5 साल आप लोग देने के लिए रेडी है, तैयार है? अपने माँ बाप का डंका और अपना डंका पूरा विश्व में बजाने के लिए तैयार है? और उसको बजाने के लिए हम लोग के पीछे स्मार्ट वैल्यू, एक बार स्मार्ट वैल्यू के लिए जबरदस्त ताली होनी चाहिए दोस्तों। आज के डेट में इसी सिस्टम से भैंस बिका तो भैंस वाला गाड़ी भी आ गया, 4 पहिया वाला, यस नो, मोबाइल भी आ गया, और उसी के साथ वो भैंस बिका तो इसी लखनऊ में अपना घर भी आ गया, वो भी कीमत ज्यादा नहीं है 45 लाख। वाओ सुपर। और दोस्तों जो गाड़ी अभी लेने के लिए जा रहा हूं उस गाड़ी पर क्या बोले, बहुत सारे लोग रिकॉर्डिंग कर रहा है, बोल दे yes. उस गाड़ी पर कौन चलता है, टोटी चोर,
उस गाड़ी पे कौन चलता है? लेटरिंग चोर। उस गाड़ी पे कौन चलता है? 10,000 आया है, 4,000 इधर दे देना, 6,000 तुम अपना ले लेना, काम चला लेना। हाँ या ना दोस्तों? वो गाड़ी पर व्हाइट मनी टैक्स भरने वाला भी लड़का दोस्तों, जिसका एज 28 साल नहीं है, 28 लाख का महिंद्रा का एक्सयूवी 700 इसी जून में आ रही है दोस्तों। सुपर। और जो लोग सोचता है कि स्मार्ट वैल्यू के अलावा बहुत बड़ा दुनिया है, मैं बहुत कुछ उखाड़ सकता हूँ, आज का जो स्मार्ट वैल्यू साल विदा ले लो। अगर लगता है कि बाहर की दुनिया से कुछ नहीं उखाड़ सकता है, 5 साल उखाड़ लो, आगे जो करते रहेगा। ओके, थैंक यू सो मच।